अपने माँ पिता का जो नाम लेके करता है उसका काम विजय होता है। परम पिता परमेश्वर यही पिता घर के जो पिता हैं। हाँ श्रीमान, ये राम सिंह जय गुरुदेव, ये तारागढ़ निवासी 50,000 रुपये। आज रोके रो भैया, आज मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। यही काम है कि आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। इतने जन में बुलाया है, नाम है मेरा, इसलिए अपने काम करने से पहले अपनी माँ को अपना सुमिरन करता हूँ, जो मेरा काम विजय हो जाए। आज मेरो पहले मनहुआ है माँ तहारी का, आठ मास नौ गर्भ मैं राखो, राकेश कुमार भैया ये बहेड़ा निवासी, 10 रुपये का व्यवहार रहते 100 के नोट में, जिसको व्यवहार देना है 150 दे सकता है भैया, 10 रुपये गाने पे देना, ये फरमाइश नहीं पाएगी। अरे हम यार बहुत राई का ये भैया हमारे श्रीपाल, ये श्रीपाल एक ग्राम जम धोरा के निवासी, ये 20 रुपये बहुत दे रहे भैया को नमस्कार है, शांति का चुप है रावे। और फरमाइश लल्ला, नाचने वाले आएंगे तब तुम्हारी हो जाएगी, हम कोई लड़का ढोला सुनिए और कोई बात नहीं। भैया तुम्हारे टटका तुम 2 रुपया दो बोली, हम ही का फायर हैं, हम ही तो बह काम करीबे। बैठे मेरे जियरवा मई निंदर के जय रुपिया कसबा तारा गाँव से नामी है, जय 10 रुपया लिखे नाई जय लल्ला मुनिंदर क्या कहने ओ दई 10 रुपया सही तलवार दई 10 रुपया निजर ढोले तक रामू भैया जय गाँव बहेरा के 10 रुपया लिखे नाई जई। हाँ भैया ढोलक वाले बाजा वाले टक्करा वाले जो इनाम वाला काम करता है उसी को इनाम मिलता है। आज कसबा बहेड़ा सही चलिया 10 रुपया लिखे भैया के रुपया 50 लिखौ नौते मा का परमाई लाला सीत सुननी
जोड़ी अमर तुमरी हुई जाए कसबा धनभार हम तुमर नहीं छोड़ बीस रुपया लिखे नहीं गई चैता निजरब होत ढोलक नारिंदर के दसई रुपया छोकी दाई घुटुआई जारी चलवा बैठे रहियो लल्ला मुनिंदर तुम्हें नाई भूला दस रुपया लिखे नाई जाई जोड़ी बनी रही तुम्हारी भैया की लल्ला कार्तिक यमर हो आशीष लल्ला हाई कसबा धनवार नाई छोड़ा बीस रुपया लिखे न जाई ढुलै तकाई नाम मेरे दोनों लल्ल दई दे कही दिन द्वारो लल्ला हम ऐली औ बुलाई अब भाई मन की इच्छा मन हेवा आशीतकारी त जोड़ी राम लक्ष्मण की फिर बलिहारी राम लल्ला बहरा वाले दस रुपया लिखे नाई जैया कौन गाँव के चैरा भैया बताई दे बात पलम से हुई जाए मिलनवा बारी बड़ी लड़ी कैया रखी है नैना जय कसबा धनवर वाले अरे कसबा धनवर मई भूल नहीं जाइबो बताई नहीं बात पलम से हुई जाए मिलनवा रामू भैया जय कटे मदमा मई जय गाँव बहेड़ा दस रुपया लिखे नाई जैया अरे कसम बहेरा से चलिया एक मजोरी नाई आई दस रुपया निवा मई गल गंजलाई चलिया उनारी डरिया उना घाट मजियम गुजिया मजियम गुजिया खबाई वो बलमू डरी वो नाई खाट ऐसे ही बलमू तरसाई मेरा सैया बलमा दुला ले चलो बलमा कटी ले अरे फिर बली आ रही है काटी का लल्ला आशीष का लौटे जय भैया परमाइला लबैठे जा बलियारी बिसमर भैया बहेरा वाले दस रुपया लिखे नाई जाई बीस रुपया जाई लिखे न जाई मुरी नगमा नारी हाई कसबा धनवर वाले बैठे ओठन लाले जा बिगड़ी नहीं सुनरा छूटो नाई अब मांगमा उरी नहीं छूटी भैया कसबा तुवरो अपनी जियती नहीं भूलाई अरे बहुत दिन उड़ा बीत गए आसी तलल्ला परमाई लाल सुनीला अरे कोठ लगाती उमर की बारी लस्सी ले नैना आई चितवनी मारे डारई तो सकी तकिया
अतर गली चामई गली नाई हाई आई से बलमु तरसई नंदरा भैया अमर हो जाय दे मन्ना पुरवा के 20 रुपया नौ सेवा भैया रघुनंदन यौ शिवनंदन दत्ताए नाई वाले पाई रुपया लिखे नाई जई अमर सिंह प्रधान जी दत्ता जय तारा गाँव के मेरे भैया प्रधान जी बैठे कसबा तारा गाँव वैसे उड़ानी मनु मानती नाई आई सोती जगती नाई भूल 20 रुपया प्रदीप भैया जय तारा गाँव के जय 60 रुपया नौते माँ तबलाऊ रुपया मुकेश भैया जय सुरसा वाले आई 50 रुपया न्यूते माँ कसबा भैया कोई सेवनामी मैं तुम्हारो भैया मैं सुरसा चली के देखा तबलाई रुपया गोलू हाई अकलौते भनेज मुरे लल्ला प्रवेश दीजा कसबा तारा गाँव कोई सेवनामी घर वाली रानी जय हनी हनी रुपया दई रे चलिए बल भाई ये कुक कमरा लीबो ये कुलियमा बलमा लईलो अरे तेरी सुरतिया ऐसी लगई हो मई कोई किनाई भने जने रुपया बढ़ाई दे ये कुक कमरा आई दिल्ली वाली वो ये कुलियमा लीबो आई तुम्हारो पलंगु बिछवाईबो दस रुपया ही नाम मुरी प्याही लिखे नाई कोइलिया रे बनमा बोलई मोरु आई बामी मतल पैनगिनिया जिया धक धक ओई जिया पी पी ओई आई मेरे उसमरिया नहीं आए पैर लगाई दो कन्हैया ने जर गई है पताल आई फूलों से फूलो दोरिका यल बेत्री नात आई सीतई राम सीरिया हाँ भैया अब रुपया बोला जाएंगे हाँ साहब सादा करके भैया ढोला की कहानी होगी अब रुपया हाँ साहब बोला जाएगा हाँ भैया ज्ञानचंद ये बहरा की तरफ से 10 रुपया इनाम तक लिखने जाएंगे इनका कहना भैया बारामासी एक सुना दीजिए तो बारामासी हो जाएगी भैया मगर अब ढोला होगा अब सादा रुपया बोला जाएगा मालिक सुन ले सुनती हूँ अरे जय का रुपया ले बोलो नहीं 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 गलत बात रुपया बोले जाएंगे पाँच दे पाँच बोलो फिर दुई दे कोई दुई बोलो तो भैया इनको कम करी गई थी इनको पैसा लो नहीं भैया मालिक बताएं तो तैसा काम करे बताओ मालिक को सुन ले पहले भैया गुड्डू धनबाद निवासी 10 रुपया इनाम देते अब कल ढोला बोल दे अरे पहले बात हाँ तो भैया रुपया अब बोला जाएंगे हाँ साहब ढोला की कहानी पर जाने के बाद में हाँ साहब हाँ भैया हाँ तो ज्ञानचंद भैया बहेरा की तरफ से 10 रुपया इनाम देते बारामासी तो दो बोल बारामासी कहेंगे भैया हाँ बोले बहु निखारे का घुसन मारे हम निखाते रुपया अच्छा जेठ सकल सोमार दशहरा जानती सब भाई औ मेरे ब्याह के हेत बरा हेत द्वारे पैयाई मारी जेठ सकल सोमार दशहरा जानती सब भाई औ मेरे ब्याह के तब राए त द्वारे पैयाई
बिगाड़ होगा माजा वाले बिगाड़ लो। जय 100 रुपया मेरे लल्ला के, जय तारा गांव के धर्मिंदर के लल्ला यकलौते, जय 100 रुपया दई दे। जय 100 रुपया लिखे न जाई धुलय तकाई नाम मोरी प्रेम सुंदरा बतावा। लल्ला धर्मिंदर ऐसे बढ़ऊ जैसे गंगा मनीर तुम तारा गाँव में बढ़ी जैया तुम भूली नाई 100 रुपया देत ढुलय तका। दद्दा ढोला के सुनैया घर को डराई छोरू ढोला मा। 100 रुपया ओ मकार भैया कमाल पुर के आई 20 रुपया के बरियारी। लल्ला धर्मिंदर बैठे 100 रुपया लिखे नाई जैया। नहीं 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 है पुरवैया की मारी रे, पुरवैया की मारी बला मुआ भाई उमरिया बारी रे। धनी धनी तुम्हारे माता पिता का धर्मिंदर लल्ला तुम्हारी दूजी नाई करवैया। घर घर वन मई ददा कर मत कही जा लक्ष्मी ददा जा तुम्हारे सत नहीं छोड़ा। भैया मुनिंदर बैठे रही तुम तारा गाँव के 10 रुपया लिखे नाई जैया। जय 10 रुपया हाई अलवेली मुरी प्राण प्यारी 10 रुपया लिखे नाई। भैया झलकिया जहाँ नहीं जानी बाजा बल दत्ता जहाँ नहीं जानी ढोला कमाई कमाई गई जवानी। सोच समझ के करिया उहारी धर्मा कहती है मायऊ बहिना। अरे मिल के लड़ाऊ थी आप समझ नहीं ना। इन ढोंगी ने देश बिगाड़ो है न ढोंगी ने जुलम गुजारे हाई न। भैया बताओ अब राय मिलाई लो कौन थे। हाँ हेलो हेलो भैया डुलेत बोलो बोलो अरे बोलो यार। हेलो हेलो सुनऊ कहानी भैया ढोला की। दद्दा अब ढोला म लगाई दे ध्यान आज कहानी भैया सुनऊ ढोला की। सुद्दा ध्यान देन की बात। आज की कहानी का नाम प्रथम बनेवास मौसी आसिक।
आपके सामने दिखाई जाएगी और अरे जो बताई सोई तो गई तुम बता बता चार हाथ लाओ डबल रुपया हाय अरे जोन लाल जयरा जबंसी पाई रुपया पचास देवा कसबा भरगमा वही से नामी कमजोरी नाई भैया छकर न माया डारी कई बहुते घामरो भैया भरी गमामा बजी गो जा लक्ष्मी साधु नहीं छोड़ा जय भैया पढ़े लिखे ज्यादा है मेरे बाजा वाले सोती जगत नहीं भूलाई दस रुपया हाई अलवेली मोरी प्राण न प्यारी दस रुपया दे ढोले टका भैया भने जे तुम अमर हो अकलौते लल्ला तुम अपनी जती नाई भूला फेरी बलिहारी ना भैया जय ब्रह्मा जी आई कसबा पूरे ना वाले मुरे भैया नगर थी दस रुपया दे ढोले तक सनाई भी सनाई ती सनाई भैया पचास रुपया कापी ममई ने लिखाई दे मुरी नंगमा नारी घर को डरऊ छोरू ढोलामा हेलो भैया फरमाइश किसी की नहीं होगी आएगा रुपया हाथ साहब में बोला जाएगा ठीक हाँ और रुपया जब होकर धर्मेंद्र बोलिए कैसे ना हाँ भैया धर्मेंद्र 100 रुपया व्यवहार में दे रहे धन्यवाद बहुत बढ़िया करो तुमने हाँ 7 रुपया बोले जाए चाहे धर्मेंद्र हो चाहे हो बने के तारा लव के ये भैया धर्मेंद्र 100 रुपया न्यूनतम देते हैं लिखे नहीं जाएंगे में लिखे नहीं जी और का अच्छा हाँ ये भैया 100 रुपया व्यवहार में देते हैं भैया को नमस्कार करती हूँ हाँ भैया राग बहे जहि माराम बसाई राग बहे जहिमा राम बसाई एक ध्यान बहे उदनी के दरे को बहे पति संग जरई दोतो तिरिया बहे पति संग जरई एक पुत्र बहे जो पिता के अरे वही शरण हम भी जागे विमल ए राजवंशी ए ग्राम तारा गांव के निवासी 100 रुपए व्यवहार में दे रहे भैया को नमस्कार है हरे उई से त मित्र अनेक बसई तो अगर मित्र बहुत हुआ करते हैं भाई हुआ करते हैं भैया लोग लेकिन एक मित्र कौन चीज होता है
अगर कोई तुम पे भीड़ मुसीबत पड़ गई, अगर तुम्हारे मौके से वो आ गया, तो उसको भाई से बाप से पिता से ज्यादा वही से तब मित्र या नेक बस है। लेकिन मित्र बहे जो विपतिया परे को, राम राम मेरी सब भैया जी कऊ सितारा पाई लागनो होती पंडित का पाए से आई जाऊ पाली के के लालक कोनी के आई जाऊ भगवती मेरी कसबा तारा की मेरी ढोलक माई बिरा जाऊआ थोड़ी देर का थान छोड़ देव आई जाऊ भगवती मेरी चांदाई पुरकी परी भैया मेरी अधबर मई तुम्हारी बड़ी पई तेगा डारी दे बलाई रुपया है नंद राम ठगी मन्ना पुरवा सही तलवार जय दस रुपया नगर सिंह भिगवाई जय दस रुपया ढोले तक भिजवाई दे बीस रुपया लिखे नाई देखिए दोस्तों आज देखिए किस तरह से चलो रेडी चलो 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 डायरेक्ट छोड़ अरे भैया देखे जरा कितने से दो तो चौरा भौरा आज से प्रथम भैया देवियार लिखे जितने वही काहे खाली मुझे नहीं बचा है धर्मिंदर या तू खुदे सब उतरे या तू अपने हुआ लिखाबो देखिए आज की कहानी है प्रथम बनेबास मौसी आशिक और प्रथम बनेबास आप लोगों शांति का दान दीजिए और दुखी कहानी की तरफ ध्यान दीजिए हमारे भैया ढुले अजय देखिए चौरा भौरा जाके दोनों भाई सामने मिलते हैं और क्या बातचीत होती है Thank you.
हाँ भैया, आज की कहानी राजा प्रथम बनवास मौसी दीवाना, आज कहानी यही होगी। सुनिए उरे कबरिया मेरे भैया, आखरी राजा धो जकी। ओ मेरे भैया गद्दा सुनियाऊ ध्यान लगाई के बात, मेरे दादी अर बाबा नंगड़ती ऐसी ऐसी लल्लाया। राजा ध्वज आज ताला में पानी नहीं दिखता है, चिट्ठी को लिखवाते हैं, बीरा पांच बीर का रखवा देते हैं, अगर जो लाए हंसा उगड़ से चिड़ैया जिसमें छोड़ दे उसे आदि गति राजपाल लिख दूंगा। पालन नाई दे राय करी ठाकुर नैया, वीर को वीरा रखवाई दो, जो ताला वही हंसम हंसम गरम से अरे जो कोई चिड़ैया लाई हंसम गर सही तो तालम बहाते छुड़वा। आधी गद्दी राजपाट लिख दी, मेरो ढोल रखवा ले जा पांच पीर को, लगाई ले उलल्ला। आज पांच मीर का बीरा रखवा देते हैं। राजा ध्वज कहते हैं जो कोई हंतम कर से चिड़िया लाए तालब को छोड़ दे पानी आ जाए, आधी गद्दी राजपाट उसको लिख दूंगा। आज बीरा रखवा देते हैं और कितने से इधर देखिए कि क्या काम होता है। इधर देखिए अब मंत्री धौरा पे खींच लिए कि कचहरी में डुग्गी पीट रहे। देखिए मेरे महाराज का आर्डर है, जो हंसमगढ़ को जाएगा और हंस चिड़ियाला के ताल में छोड़ेगा, अगर पानी निकल के आया निकल आया उस आधा राजा आधा राजपाट आधा राजपाट और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक दुई तीन तुम लइए चलो। इधर देखिए मंत्री ने डुगी पीट दी है और बीरा को रखवा दिया है। आगे देखिए क्या कौन से काम होते हैं मास्टर। Yeah.
मास्टर हेलो इधर कबारिया भैया सुनऊ नऊ कर की पीरा रे कबाई तो है राजा ने जो कोई भैया जाए हंस मगड़ का हंस चिड़ैया लै है जाए बीच ताल मा हम छोड़बै हो अधो राज पट दही लिखवाई ढोला सुनइयो भैया बैठे रहियो सकतिया डरू है राजन को अच्छी रमाइये कया भैय जाय पहिरा लगा भैय बीरा तेरो नौ करू वे उदे कौन गाम से धौरा पै हुई दे कौन से अब देखिए मंत्री कचहरी पहरा लगा रहा है अब देखिए कौन को बीरा चापता है और कौन हंसमगढ़ को जाएगा हाथ हिम्मत हो चाप आप अर खजुरा जल कुंभी वाला लगी में मैंने मारा अय चार मेहमान चर सुरुआ बना ले मोरी जान खजुरा कजुआ जल कुंभी बाला लगी में मैंने मारा अय चर महिमा चर सुरुआ बना ले मुरिचा हरे अब तले तुम आराम कर ले अच्छा ऐसा करो मास्टर आई नलिया परे आई गुलता रे रे नलिया पे मचली गई हाय हाय रे नलिया पे मचली गई हाय हाय हेलो हमारे दोस्तों इधर आज की कहानी प्रथम बने वास मौसी आज कहना एक समय की बात राजा ध्रुव ने तालाब खुदाया था और उसमें पानी नहीं निकला तो राजा ध्रुव ने पांच पाल का बीड़ा रखवा दिया जो हंसों को दौड़ा लाएगा इस बीड़ा को चबाएगा और उसी को मैं आधा राज पाठ लिख दूंगा क्या हुआ जौरा भौरा नादान थे उनने सोचा कि हम ही इसको बीड़ा चब लें ताकि हमें आधा राज पाठ मिल जाएगा और आधा रह जाएगा आधे में से आधा वो भी मिलेगा राजा प्रथम जो थे प्रतापी था और ब्रह्मचारी भी था उसे हर बात का ज्ञान था राजा प्रथम ने दिए को चला लिया और हंसमगढ़ जाकर के हंसों का जोड़ा ला करके ताल में छोड़ते ही ताल हिला गया राजा ध्रुव ने कह दिया कि हमारे राजा प्रथम को आधा राज प्राप्त हो गया इधर लज्जावती मौसी थी मानावती राजा प्रथम की माँ थी तो लज्जावती ने सोचा कि हमारे दो लड़के और उस सौत का एक लड़का आधा राज प्राप्त तो उसे मिल गया और आधा रह गया आधे में से ये राधा राजा प्रथम को मिलेगा और आधे में से हमारे दो हो जाएंगे मैं ऐसा हाथ जाल फैलाऊंगा ताकि राजा प्रथम की मैं फांसी ही लगवा दूंगा
सारा राजपाट हमारे बच्चों का ही रहेगा। तो आज लज्जावती ने क्या काम किया, एक गेंद बना करके दी और राजा पद्म का नित्यपति बागीचे में टहलना अवश्य था। वो अपने टहलने जाते थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे क्योंकि ब्रह्मचारी था। राजा प्रथम जौरा भवरा जी थे, उसी रास्ते में गेंद खेलने लगे आपस में कि भैया ऐसी निकलेगा राजा प्रथम, अब उसे गेंद खिलवाएंगे जरूर, और गेंद जब जाएगी महलों में माँ घर की छुपा लेगी जो महलों में, और गेंद लेंगे जरूर, अगर नहीं लाएगा इस पर ऐसा जाल फैला दिया जाएगा, खुद बंधन बन जाएगा। तो आज जौरा भवरा इधर गेंद खेल रहे, इधर देखिए जौरा भौरा गेंद खेल रहे हैं और साथ में पगला भैया बहु लोग ही बहुता पहले लगी है, बगैर उससे काम नहीं चलेगा। अब देखिए जाते हैं बगीचे के पीछे, बीच पड़ा हुआ है, वहाँ जौरा भौरा दोनों भाई गेंद खेलते हैं। राजा देखिए प्रथम किस लिए आता है, भैया इधर आओ, देखिए हाँ बोलो, हम तुम जाके बगीचे में हर की गेंद खेलेंगे, अगर गेंद खेलन आईबे करी, अगर गेंद खेलन आएगा उसे जबरदस्ती गेंद नहीं खिलाएंगे, पहले कहीं ना खिलाई और ना जिद करी तो खिलाई नहीं, और गेंद दी बहाई मरे टिल्लू पहुंचे मौसी के हुआ अंटा पर पिता जे मरे धरे राजपाट हरकोली ही चले। आइए हेलो, आज देखिए मेरे भाई सगी मौसी के लड़का आज गेंद खेलते हैं, आज प्रथम ही जाते हैं। अरे भैया क्या आप लोग गेंद खेल रहे हो, हम खिला लो भैया। कहने दे, चलो तुम्हारी बात मान लो, दोस्त की बात नहीं मानते कि आखिर छोटे भाई इनके साथ खेल जरूर लो, यानी खेलोगे जरूर मानोगे नहीं, लेकिन ऐसा है भाई लोग खेलते कोई डर नहीं है, इसमें कोई दगा थोक रही है तो हमारी बात का विश्वास नहीं, इसीलिए कहा गया है दानाई को छोड़कर बनो मती दाना और बेवकूफ की दोस्ती हो जी का जंजाल, इन्हीं तुम्हारी दोस्ती तो बेकार है, खेल लो कोई बात नहीं। नहीं तुम ठहर जाओ, मैं जरूर खेलूंगा, भैया हमको खिलाओ, तुम खेलिए हिदायत बतलाओ यार, गेंद खेलिए ना, हिदायत बतलाओ, बतलाओ तुम्हें है नहीं हिदायत रहते थे तुम अपने आराम जैसे इज्जत जाओ। अरे भाई खिलाइया है, खिलाई नहीं, चलो देखे अगर खिलाएंगे एक बात शर्त हो गई, अगर मेरी गेंद खो गई तो गेंद मैं आपसे लूंगा, हमसे हाँ, और तुमसे खो गई तुमसे नहीं, हाँ हमसे खो गई हमसे लिए, चलो अपनी अपनी गुच्छी उठाने हो, चलो उठाने हो हम इधर उठाने, हाँ लाओ पकड़ ली, हाँ देखत भाई, हाँ लाओ कही है अब ती हमें मिली नहीं, तुमने पकड़ कहा ना भाई क्या गेंद, हमारी गेंद दे दो अच्छा ही लगा तुम्हें, अरे तो गेंद हमारी कामन हमारे, अरे गेंद आपके पास गई आपने गेंद करी क्या, अब जही अब हर मूड खराबी को ही काहे गेंद फेंकी तुम्हारे किंगे तुमने करी का, अरे हमारी नहीं मालूम हमारी गेंद का भाई, राजी बाजी में दे देव ने बहुत सड़ी के माटरी, हाँ
का गेंद आई तुम्हारे तीर ही आई गेंद हमारे तीर नहीं भैया आई है भैया गेंद नहीं दे भैया मारते नहीं तुम्हारी जगह तेरी भैया गेंद दे दे वो भैया अगर गेंद ना मिली तुम कहाँ कहे जाए अपनी अम्मा पर अम्मा पर कहीं जाए तुमने बहाई जाए तुम्हारी लल्ला बोलने मटी हाँ हमें जानती ना मैं बहुत करी अंडा अंडा नहीं गेंद दे दो ऐसे करो राजी बाजी अरे गेंद तुम्हें और लूंगी मेरे भैया हाई सुन ली जाओ गेंद हाई ताऊ तो भैया तुम्हें सोने की मंगाई दे ना हमें चाहिए ना हमें बहे चाहिए बहे ताऊ तो भैया तुम्हें सोने की मंगाई दे नहीं 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 मैया भाई तुम कहीं आओ न जाई ओ मेरे भैया छोटे मैया भाई तुम कहीं आओ न जाई अरे नहीं 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 हम नहीं नहीं ना गेंद हम बही लूंगी अपनी मैया से कहीं हो जाई गेंद हम बहलूंगी तुम्हारी चांदी की बनाई दे हमें चाहिए नहीं काउता लल्ला तुम्हारी चांदी की मंगाई दे गेंद हम बहलूंगी अपनी माया से कई हो जाए गेंद हम पहलूंगी अपनी मैया से कहीं हो जाए ना हम चाहिए सोने चांदी की ना हम चाहिए सोने चांदी की नहीं 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 गेंद तुम्हें बह दूंगी की मैया पर कहीं न जाए हम बहलूंगी अपनी मैया से कई हो जाएंगे हेलो क्या तुम हमें चूतिया बनाए रहे हो गेंद तुम्हें बह चाहिए हमें गेंद बह चाहिए बहे हाँ ना हमें सोने चाहिए ना कुछ हमें बह गेंद दे जो हती मेरी भैया इधर आओ इधर भैया हाँ आप देखिए मौसी के बगी महलों में गेंद गई है हमें गेंद लैया के दे दे हुई भैया हाँ जा तुम्हारी गेंद खो गई होगी मैं उसके गेंद को पता लगा के बस तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरी बात को मानिए इतनी मेरी बात सुन लीजिए बताइए बस जाइए मैं जा रहा हूँ सुनऊ कहानी राजा प्रथम की जवान ध्यान देने की बात अब ता गेंद खुई गई भैया की राजा प्रथम पतो लगई जाई आ राजा प्रथम आज भक्ते आज जाते हैं अब ता पतो मेरे गेंद को लगाई
का गई गेंदैया भैया 20 रुपया कर लू कल्लू भैया जय मन्ना पुरवा के बलिया से आई गए दोस्तों, आज जो गेंद गई है और राजा प्रथम सोचते हैं कहां के लिए गेंद गई है। मेरे जीरब गेंद लेने गई मऊस के महल का ढोलक वाले भैया वीर नगर थी बाजा बल दद्दा दहीने रही भैया चिमटिया सुरी ले द्वार नंदराम ये मन्ना पुरवा निवासी भी किया जा रहा 20 रुपया अमर सिंह तारा का निवासी भी हार देते हैं। देखो अहिम की हारा घोड़ा बनना करो दे तुम्हारी इच्छा हो चुका खाना। अब सुनी ले कहानी दद्दाया देखी मेरे वीर डर ढुलै तका दई दे कसबा तारा गाऊ नाई रुपया सौदई करे है हमारे भैया राजा पर समी सुनाई दे बात। और राजा प्रथम इधर जाते हैं गेंद लेने अपनी मौसी के महल के देखिए आगे क्या काम होता है दोस्तों। और राजा प्रथम था जो भक्त था इसको कहते हैं जो पूरनमल भक्त है ऐसे राजा प्रथम भक्त है। आज एक कहानी दर्द भरी है जो डराई है भाई लोगों ने एक चारपाई और एक गद्दा एक तकिया यहां पहुंचाओ जब कहानी का आगे टच बढ़ेगी। मौसी आशिक और प्रथम दीवाना इसीलिए कहा जाता है चीज पहले से हमने बता दिया अब जय पौढ़े कतोरे ने शुरू करो अब पौढ़े जैसे गांठ से भरा है देव भाई अब भाई तुम कूदे कूदे घूम देते कर चीज दी है अब ले मंगाओ तले बेटा शुरू कर का तुम गाओ तो जम के सागा सुख जा जल वर्ष का होता हो मौका उचित देव मौका अच्छी लगत गाने मनाए तुम्हारी बढ़िया
छपरा जो गिराई थुमरा से रुकई जो गिरई तौ रुकई कहउ कई धरती जो गिरई असमान पै रुकई धरती जो गिरई असमान पै रुकई धरती जो रुकई तऊ रुकई कहउ कई थे अरे आगी लगई पानी से भूतई पानी से भूतई पानी मा लगई तऊ भूतई कहउ कई थे वीर नगर की ढोलक वाल कसरबिया है नंद राम की मन्ना पुरवा सैकलिया की घुटुआई गारी तलवार अमृत कुआ जई खुदैया गनवा हा घर बरी पियई हमर हूँ हमारे भैया ढोलक मा लगाई ले उलल्ला सुनो ए गाड़ी मारे बैठे दूर इंडिया में मूड मूड बहुत ही तो खराब है हाँ सुनो कहिए जाओ चले जाओ आज तुम्हें मालूम होना चाहिए देखिए हम भी चलेंगे और तुम भी चलो वे साथ में चलोगे हाँ बताइए मंगा करा जितनी देर में तो बोले तो मैं बाहर से उठा लेते जाए सुनो दोस्तों जब तक इंतजाम आना होता है जब तक उस खुशी में गाना होता है सुना गाना बड़ी चाहता रही हूँ हमारे हेलो हेलो भैया कैमरा बंद कर लो हेलो हेलो मास्टर जबान चलो फिर बता दे नहीं नहीं होश बतला होश दिन में तो छोड़ दे तुम अब झाटू वाटू समझ लियो बता दो चुप पाई बैठ जा